बंगाल में एक विजन पास हुआ है जिसके तहत 10 दिन के अंदर जो रेपिड है उसको सजा देने का जो प्रावधान किया गया है। ये पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और 12 घंटे जो है पश्चिम बंगाल बंद किया था, जबकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, बदलापुर की घटना हो या अन्य जो भी घटना हो, उसको लेकर किसी जो पॉलिटिशियन है कोई बात नहीं कर रहे, तो सत्ताधारी पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री गृहमंत्री ये बात नहीं कर, हम तो बात कर रहे हैं। वो जो जिस स्कूल में ये हुआ है बदलापुर में, उस संस्था के जो प्रमुख है वो भी आप ही है, एक कोतवाल है कोई, उनके ऊपर एफआईआर किया है लेकिन अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया है। सीसीटीवी फुटेज किसने गायब किया उस स्कूल से, ये संस्था के जो प्रमुख है उसने किया होगा ना, क्यों किया, क्या सिर्फ एक अपना जो सिपाही है हाँ उनको बचाने के लिए, क्या उसके पीछे और कुछ रहस्य है, आप देख लीजिए। तो सरकार क्या कर रही है, हम तो बोल रहे हैं ममता दीदी के खिलाफ आपने जो आंदोलन किया पश्चिम बंगाल में वो सिर्फ राजनीति, हॉस्पिटल में जो दुर्घटना हुई है डॉक्टर के बारे में, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, पुलिस ने गुनेगार को अरेस्ट किया, जांच की, और क्या करना चाहिए, अब एक कानून बनाया। लेकिन आपने 15 दिन तक पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था ये बीजेपी के लोगों ने गुंडों के हाथों में रही, हिंसा हो गई, जिम्मेदार कौन है। अब महाराष्ट्र में पूरा बदलापुर ने पूरा महाराष्ट्र लगभग उस आंदोलन में उतरा था, हमारे ऊपर न्यायालय के माध्यम से रोक लगाई आंदोलन करने में, लेकिन सरकार ने क्या किया, अक्षय शिंदे एक आरोपी है उनको पकड़ा है। लेकिन जिस संस्था में ये हुआ सीसीटीवी फुटेज अगर जो संस्था गायब करती है उसका मतलब अपने ये अपराधियों को कोऑपरेट किया है बचाने के लिए, और कुछ ना कुछ और दाल में काला है वहाँ। ड्रोन से हमला हुआ है और जो प्रधानमंत्री है वो अभी भी विदेश में मूव में है, इस पर ठीक है, प्रधानमंत्री के संज्ञान में मणिपुर एक अपना राज्य है ये नहीं है, मणिपुर देश का हिस्सा है, मणिपुर भारत के नक्शे पर एक हमारा राज्य है, ये बीजेपी खास करके प्रधानमंत्री के संज्ञान में नहीं है। वो यूक्रेन पोलैंड पुतिन और कहाँ कहाँ की जय ढूंढते हैं, वहाँ घूमते हैं, बहुत बड़ा जहाज है एयरफोर्स वन, ये जो है अपना बाइडेन की धरती पर एयरफोर्स वन एयर इंडिया वन बनाया है, जाकर देखिए उसमें बहुत बड़ा एक महल जैसा एक है, फकीर महल में घूमता।